CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। हम बहुत खुश हैं इस सुबह आप हमारे साथ जुड़े हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। और हम मिलकर आज न्यू बिगनिंग्स के बारे में कुछ नया सीखेंगे। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज है बुधवार, तो आज हमारा रीजन ऑफ फोकस है श्रीलंका। और आज के हमारे रीजनल एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम श्रीलंका पर गौर करेंगे, और साथ ही वहीं से हम आपके लिए गीत और बहुत ही खूबसूरत सच्ची कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इन रीजनल एपिसोड्स को बहुत एंजॉय कर रहे हैं, और आज हम आपको श्रीलंका की सैर भी कराएंगे, देखेंगे, जानेंगे वहाँ के लोगों को और उनकी कहानियों को भी हम सुनने वाले हैं। रिबेका, मैंने सुना है कि हमारे देश को 1947 में इंडिपेंडेंस मिला, ठीक 6 महीने बाद 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका भी इंडिपेंडेंट हुआ। तो श्रीलंका और इंडिया ऐसे लगता है कि साथ साथ बड़े हुए हैं। जी, और साथ साथ आज़ाद भी हुए। यस, एंड दे आर ऑन देयर वे टू प्रोग्रेस एंड प्रोग्रेसिंग वेरी वेल एज टू बिग नेशंस। जी, और दोस्तों, आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हमारी न्यू बिगनिंग सीरीज में हम बात कर रहे हैं कि जब हमें आगे बढ़ना होता है तो अक्सर हमारा पास्ट हमें परेशान करता है, क्योंकि शायद हमारे पास्ट में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो अनप्लेजेंट हैं, जो अनचाही हैं और जो हमें दुख देती हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे हम इन बातों को पीछे छोड़ अपने जीवन में नई शुरुआत को रिसीव कर सकते हैं। यस दोस्तों, इसी विषय को और गहराई से हम देखेंगे, लेकिन क्यों ना इस सुबह की शुरुआत हम एक खूबसूरत सिनालीज गीत से करें। और ये गीत हमारे लिए लाए हैं विलोरा वट्टर मेथोडिस्ट चर्च मोराटुवा से। इस गीत के बोल है सामाना कैकुलू पुलुन वाला। इसका मतलब है कि हम परमेश्वर का वर्णन करते हैं, इट इज अबाउट डिस्क्राइबिंग गॉड। तो आइए दोस्तों, इस गीत का आनंद ले और सराहे इस नए भाषा के इस नए गीत को। Yeah.
यू वेरी मच कॉयर फॉर दैट ब्यूटिफुल सॉन्ग। सिनेलीज भाषा तो हम नहीं समझते, लेकिन हमने जाना है कि गीत परमेश्वर का वर्णन करता है, परमेश्वर की महानता के बारे में बताता है। यस, थैंक यू सो मच रिबेका। मैंने सुना है कि श्रीलंका में लोग चाय पीना बहुत पसंद करते हैं, हम हिंदुस्तानियों की तरह। वहाँ पर उनके बागान में अलग अलग किस्म का चाय पाया जाता है। इनफैक्ट मैंने यहाँ तक सुना है कि उनका पहला नाम श्रीलंका नहीं था, इस देश का पहला नाम था सेलोन, जो कहीं ना कहीं चाय से जुड़ा हुआ है। मतलब इतनी सारी कॉमनैलिटीज़ हैं श्रीलंका और भारत देश में। एक और ये है कि वो भी चाय पसंद करते हैं और हम भी चाय पसंद करते हैं। और आइए दोस्तों, इसी के साथ हम लेंगे बहुत ही छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम एक बहुत ही खूबसूरत, सच्ची, इंस्पायरिंग कहानी श्रीलंका से आपके लेकर आए हैं। सो स्टे विद अस, वील कम बैक सून। तीन आर सुरक्षा चक्र, पहचाने, प्रतिक्रिया करें, रिपोर्ट करें। अनुचित संपर्क के खिलाफ सुरक्षा की एक पहल। आइए हम अपने बच्चों को शोषण से बचाने के लिए एक साथ आएं। गलत स्पर्श के खिलाफ बाल संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने में हमारे साथ जुड़ें। बाल संरक्षण अभियान में योगदान देने के लिए आज ही www.cbnf.org पर जाएं। वेलकम बैक दोस्तों, आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम अपना रीजनल एपिसोड आपके लिए लेकर आए हैं। हम श्रीलंका पर फोकस कर रहे हैं और वहीं से हम सच्ची कहानी और गीत आपके लिए लेकर आए हैं। साथ ही हम जान रहे हैं कि कैसे हम अपने अनप्लेजेंट पास्ट को पीछे छोड़ आगे बढ़कर परमेश्वर द्वारा दी गई नई शुरुआत को स्वीकार कर सकते हैं। बिल्कुल रिबेका, ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमारा पास्ट जो है इसको हमें भूलना है, इसको पीछे छोड़कर हमें आगे जाना है, वरना हम एक्स्ट्रा बैगेज के साथ आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर ये बिल्कुल नहीं चाहता। जी बिल्कुल, और अक्सर हमारे पास में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो शायद अच्छी नहीं होती, अनप्लेजेंट होती हैं, और वो हमें हॉन्ट करती हैं, हमें तंग करती हैं। परमेश्वर होने दे कि जो कुछ भी ऐसा है, जो भी एक्स्ट्रा बैगेज है, उसे हम पीछे छोड़ पाएँ, उसे रिजॉल्व कर पाएँ और आगे बढ़ पाएँ। बिल्कुल, तभी हम प्रभु के लिए दौड़ पाएंगे दोस्तों। तो याद रखिएगा, जो बीत गया है वो हो चुका है, प्रभु हमारे लिए आगे हमें बुला रहा है दौड़ने के लिए उसके पीछे जो उसने हमारे लिए तैयार किया है। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं जेहान राजापक्से से, जिन्होंने अपने जीवन में अपनी पास्ट की बातों को लेकर बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब वो अपने घुटनों पर गिरे और जो भी उनके चैलेंजेस थे, जो भी बुराइयाँ थी, उनसे उन्होंने आज़ादी पाई। आखिर ऐसा क्या हुआ उनके जीवन में और उनके बदलाव की ये सच्ची कहानी आप लेकर आए हैं हमारे प्रोड्यूसर रॉकी जॉन पीटर और दिदुला पेरिस श्रीलंका से। आइए इसे हम देखें। एक दिन मैंने तीसरी बार ओवरडोज ले लिया। इसका मतलब है कि मेरे शरीर में इतनी अधिक दवाई थी कि मेरे शरीर ने काम करना बंद कर दिया। मैं तब से परमेश्वर को जानता हूं जब मैं छोटा बच्चा था, क्योंकि मैं एक मसीही परिवार में पला बढ़ा हूं। परमेश्वर के बारे में जो कुछ भी जानना था मैं सब जानता था, लेकिन मैं कभी भी परमेश्वर से मिला नहीं था। इससे मेरे दिल में एक खालीपन आ गया और मैं ऐसे दोस्तों के समूह में फंस गया जो अच्छे नहीं थे। उन्होंने मुझे ऐसी चीजों से परिचय करवाया जो अच्छी नहीं थी, जैसे ड्रग्स, बुरा व्यवहार, क्लास में से एब्सेंट रहना, गाली गलौज करना और बुरा व्यवहार करना। इस तरह जीते हुए 4 साल बीत गए जहां मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं था, और एक दिन मैंने तीसरी बार ओवरडोज ले लिया। इसका मतलब है कि मेरे सिस्टम में इतनी अधिक दवाएं थी कि मेरे शरीर ने काम करना बंद कर दिया। इसलिए जब मैं उठा तो मेरा दिल दुखी रहा था, मैं सीधा नहीं देख पा रहा था, मैं दुबला पतला था, मेरी आंखें बंद और पीली थी, मेरे नाखून, मेरे दांत, सब कुछ बदसूरत हो गया था, और मैं सोच रहा था कि मैं अभी तक यहाँ क्यों हूँ, मैं अब तक क्यों नहीं मरा, और मुझे लगा कि अभी तक कोई मुझे यहाँ रख रहा होगा।
मेरे तीसरे ओवरडोज के कुछ सप्ताह बाद मैं वो लक्षण महसूस कर रहा था जिसे हम वापसी के लक्षण कहते हैं, जब आप नशीली दवाओं का उपयोग करना बंद कर देते हैं और आपका शरीर काम करना बंद कर देता है और पहली अवस्था में वापस आना शुरू कर देता है क्योंकि आप आदि हो चुके होते हैं, आपको इसकी आवश्यकता होती है। मुझे दर्द हो रहा था, पसीना आ रहा था और मेरे शरीर का हर अंग दर्द कर रहा था। उस सप्ताह के अंत में मुझे मेरे एक पुराने मित्र से निमंत्रण मिला। उन्होंने मुझे एक चर्च सर्विस में आने के लिए आमंत्रित किया। वहाँ एक आउटरीच कार्यक्रम था जिसमें वे चाहते थे कि मैं भी शामिल हूँ। मैं बहुत झिझक रहा था क्योंकि उस समय तक मैं कई सालों से चर्च नहीं गया था और वापस जाते समय मेरे मन में शर्मिंदगी का भाव था, लेकिन अपने अतीत को देखकर और जिस दौर से मैं गुजर रहा हूँ उसके बारे में सोचते हुए मैंने फैसला किया कि मैं बदलने जा रहा हूँ। ये एक शाम की सर्विस थी और एक विशेष सर्विस थी जहाँ विदेश से अमेरिका से चर्च के एक पास्टर आए थे और संदेश दे रहे थे। मैं सबसे पीछे बैठा था, मैं बेसुध था और मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। जैसे सर्विस चल रही थी अंत में पास्टर ने ऑल्टर कॉल दिया। इसमें पापी पश्चाताप करने आते हैं, वे स्वयं को परमेश्वर के पास लाते हैं और परमेश्वर उन्हें उद्धार पाने में मदद करता है। ऑल्टर कॉल देने से पहले उन्होंने तीन शब्द कहे जो तब से मेरे साथ बने हुए हैं और वो है जीसस लव्स यू, यीशु आपसे प्रेम करता है। उस पल ये कुछ ऐसा था जिसकी मुझे सबसे अधिक आवश्यकता थी क्योंकि ये जानने के बाद कि मैंने जो भी कुछ किया है उसके बावजूद यीशु मुझसे प्यार करता है, यही वो चीज है जिसने मुझे बदलने के लिए ऑल्टर कॉल पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। और मैं धीरे धीरे ऑल्टर कॉल तक गया और घुटनों के बल बैठ गया और कहने लगा कि यीशु मेरा जीवन काम नहीं कर रहा है, मुझे एक दूसरे मौके की जरूरत है। मैंने जीवन भर आपको जाना है लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं है, मुझे अपने जीवन में आपकी जरूरत है। जिस क्षण मैंने ये कहा मेरा सारा पाप, अधर्म, सारी लत, बुरा व्यवहार मेरे कंधों पर आ गया और मैं खुद को गिरता हुआ अनुभव कर सका। ये बहुत भारी था और मेरे पास एक मौका था, मैं भाग सकता था या मैं खुद को परमेश्वर को सौंप सकता था। और मैंने ये कहने का निर्णय लिया, यीशु ये सब आप ले, मुझे स्वतंत्र करें और मैं आपका हूँ। ये एक चुटकी में हो गया, ये सब चला गया। मैं पंख की तरह हल्का महसूस कर रहा था और जब मैं ऑल्टर से उठा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने परमेश्वर के साथ एक घंटा बिताया है, लेकिन ये केवल दो या तीन मिनट के लिए ही था। वो सर्विस 2017 में हुई और मेरे लिए वो मेरी नई शुरुआत थी। तो उस समय मैं सोच रहा था कि मैं अभी भी जीवित क्यों हूँ, लेकिन अब मेरे पास जवाब था क्योंकि मुझे बाइबल की एक वचन मिली और ये यिर्मयाह 29:11 थी, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। और इस वचन को पढ़ने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि मैं उन सभी ओवरडोज के बाद भी जीवित क्यों था। जैसे जैसे साल बीतते गए मैं अपने एकेडमिक पढ़ाई में वापस जाना चाहता था क्योंकि मैंने अपने अतीत में नहीं सीखा, इसलिए मुझे फिर से अध्ययन करने की आवश्यकता थी और परमेश्वर ने मुझे मनोविज्ञान के क्षेत्र का अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया जो मन का अध्ययन है, और इसके साथ ही मुझे करियर भी मिला। मैंने बोलने की क्षमता भी हासिल कर ली जिसमें आज मेरी आवाज का लहजा भी शामिल है जो मेरे पास नहीं थी जब मैं उन ड्रग्स के नशे में था। आज मैं बिल्कुल अलग खड़ा हूँ। जब मैं नशे की लत में था तो मेरा जो विजन कम हो गया था वो वापस बढ़ गया है, जो आँख की रोशनी चली गई थी और मेरी आँखें जो पीली हो गई थी वो वापस ठीक हो गई है और मैं अब कमजोर महसूस नहीं करता। मेरे पास अपनी ताकत है और उससे भी अधिक, आज मैं मनोविज्ञान का छात्र और परमेश्वर की संतान और सुसमाचार के विश्वासी के रूप में खड़ा हूँ। और इस यात्रा से मैंने एक बात सीखा है और वो ये है कि यदि परमेश्वर मुझे बदल सकता है तो वो किसी को भी बदल सकता है। जहान, वी आर सो ग्रेटफुल टू गॉड फॉर योर लाइफ और कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। इट वॉज कम्प्लीट टर्न अराउंड एंड परमेश्वर ने आपको एक नई शुरुआत दी है एंड गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली इन दिस न्यू लाइफ दैट यू आर लिविंग। यस दोस्तों, जैसे जहान के साथ प्रभु ने किया है, हमारे लिए भी ये एक उम्मीद है और एक आश्वासन है कि हमारे जीवन को भी प्रभु बदलने का सामर्थ्य रखता है। दोस्तों, आज हम न्यू बिगिनिंग्स के एक नए एस्पेक्ट को देख रहे हैं
और वो है कैसे हमें हमारा पास्ट पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है। शास्त्र में हम कई कहानियों को देखते हैं और उनमें से एक कहानी है लूट की पत्नी के बारे में, जिसका जिक्र यीशु मसीह ने भी किया। इनफैक्ट सिर्फ 3 शब्द है उस वर्स में, रिमेंबर लॉट्स वाइफ। हम सोचेंगे ये कौन औरत है जिसका नाम भी नहीं है, लेकिन यीशु मसीह उन्हें याद करते हैं और हमसे कहते हैं कि उसे याद करो। ऐसा क्यों? छोटे में आपको कहानी बता दूं कि लॉट इब्राहिम का भतीजा था और वो इब्राहिम से दूर होकर एक ऐसी नगर में गया जो पाप से भरा हुआ था। वहाँ पे उसे एक लड़की मिली जिससे उसने शादी की और वो वहाँ पर एक परिवार बनाकर बसे थे, लेकिन फिर पाप उस सोडम नाम की जगह पर इतना बढ़ गया कि परमेश्वर ने फैसला किया कि उस जगह पर प्रभु का न्याय होगा। लेकिन परमेश्वर जानता था कि इब्राहिम लॉट से प्रेम करता है, तो परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजा और वो स्वर्गदूत आकर लॉट से कहता है, हमें इससे पहले कि परमेश्वर का न्याय इस जगह पर आए, हमें यहाँ से निकलना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। आप जानते हैं वो दौड़कर निकले उस नगर से, लेकिन उस लॉट की पत्नी ने उस स्वर्गदूत का कहा नहीं माना। वो पीछे मुड़कर देखी और उसी क्षण वो वहां पर नमक का खंबा हो गई। दोस्तों, इसलिए यीशु मसीह हमें याद दिलाते हैं कि जब हम परमेश्वर के पीछे दौड़ रहे हैं ना, हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अक्सर जो पीछे मुड़कर देखकर दौड़ते हैं वो गिर पड़ते हैं। देखिए, ऐसा ही कुछ पौलुस अपने जीवन से हमें सिखाता है। फिलिपियों के 3 अध्याय को हम देखेंगे इन वचनों को। फिलिपियों का 3 अध्याय 13-14 वचन कहता है, हे भाइयों, मैं यह नहीं सोचता कि मैं उसे प्राप्त कर चुका हूं, पर बात यह है कि बीती को बिसार कर जो मेरे सामने है उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मैं संघर्ष करता रहता हूं। मैं उस लक्ष्य के लिए निरंतर यत्न करता रहता हूं कि मैं अपने उस पारितोषिक को जीत लूं जिसे मसीह यीशु में पाने के लिए परमेश्वर ने हमें ऊपर बुलाया है। कितनी खूबसूरत बात है ना दोस्तों। पौलुस के जीवन में पास्ट में बहुत सारी बातें थी, लेकिन वो कहता है कि वो सब छोड़कर, वो सब भूलकर मैं आगे की ओर दौड़ रहा हूं जहां परमेश्वर ने बुलाया है। दोस्तों, आपके पास्ट को आपको लॉक करने मत दीजिए, आपके लिए रुकावट ना बने। उसे भूलकर परमेश्वर ने आपके पास्ट को क्षमा किया है, चाहे वो जैसा भी हो। अब आपको आगे दौड़ना है यीशु मसीह के लिए, उस पुरस्कार की ओर जो उसने आपके लिए तैयार किया है। जी बिल्कुल दोस्तों, और अपने पास्ट को पास्ट में छोड़कर आगे बढ़ने के लिए हमें प्रार्थना की ज़रूरत है, परमेश्वर की मदद की ज़रूरत है। तो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। CBN प्रेयर लाइन में आप अपनी रिक्वेस्ट हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हमारा नंबर है 9910401010। यस दोस्तों, हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, अब समय छोटे से ब्रेक का। जो ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं कि परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे कि आप अपने पास्ट को पास्ट में छोड़ दें। और साथ ही साथ हम हमारे प्रिय पड़ोसी देश श्रीलंका और उनके वासियों के लिए प्रार्थना करेंगे। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। हम एक नया कदम ले रहे हैं आपके प्रिय कार्यक्रम को और लोकप्रिय बनाने के लिए। एक नई जिंदगी में अब होगा देश के कोने कोने से रीजनल कंटेंट। हर बुधवार देखिए क्षेत्रीय भाषाओं के गीत, सच्ची कहानियाँ और उस क्षेत्र पर फोकस। तो 9 लड़कियों से हमने शुरू किया था, आज करगिल की लड़कियों को पीछा करना, मात करना भी मुश्किल हो गया है। मेरे बाप को बोलियो में जाके को बया तेल से मेरे को अति शांति मिल गई, तो जड़ में दुआ हो तो बड़े जाऊं तो मेरी पूरी भी हमारी कट सके। अब हमारा चूल्हा जल गया है और केक बनाने से पहले हम तवे को इस चूल्हे पर रखेंगे और इस तवे के ऊपर हम रेत डाल देंगे। ये गरम रेत अवन के सेक का काम करेगी। अब हम अपनी पतीली को उठाकर इसके ऊपर रख देंगे 1.5 घंटे के लिए। तो बने रहिए एक नई जिंदगी के साथ कलर्स टीवी पर सुबह 6:30 बजे, और साथ ही इसे आप CBN इंडिया यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। अब एक नई जिंदगी में सुनिए
राष्ट्र की धड़कन। आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। वेलकम बैक दोस्तों, आज एक नई जिंदगी के रीजनल प्रोग्राम में हम जान रहे हैं कि कैसे हम परमेश्वर की मदद से अपने अनप्लेजेंट पास को पीछे छोड़ आगे बढ़ करके परमेश्वर द्वारा दी गई नई शुरुआत को अपने जीवन में रिसीव कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, और ये बहुत ज़रूरी है, अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमारे पास्ट से हमको कट ऑफ होना है। ये सच है कि वो हमारा पास्ट था, लेकिन अब उसका असर हमारे जीवन में ना हो, इसी के लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं। आज यकीन कीजिए कि परमेश्वर आपको पूरी तरह से आपके पास्ट के दबाव से पूरी तरह छुटकारा देगा। और साथ ही साथ इस समय हम श्रीलंका के देश के लिए और वहाँ के वासियों के लिए भी प्रार्थना करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, हृदयों को जोड़ते हैं और साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें उस पाप से निकाला है, उस अंधकार से निकाला है प्रभु, और अपने उजाले में लाया है प्रभु। उस पास्ट, हमारे पास्ट का और जो बीता है उसका कोई प्रभाव या दबाव हमारे जीवन में नहीं है प्रभु। हम छुटकारा पाए हुए लोग हैं, हम आज़ाद किए गए लोग हैं प्रभु, और उस प्रतिज्ञा के और बढ़ रहे हैं जो तूने हमारे लिए तैयार किया है प्रभु। तेरे उज्जवल भविष्य की आशा जो हमें तूने दी है, उसको याद कर कर हम आगे बढ़ते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रिय दर्शकों के लिए प्रभु, अगर किसी को भी उनका पास्ट हॉन्ट कर रहा है, किसी को भी जो बीता है वो उन्हें रोक रहा है, तो उन्हें आज आज़ादी का एहसास हो प्रभु, उन्हें छुटकारा दे तेरे सामर्थ के द्वारा। साथ ही साथ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रिय पड़ोसी देश श्रीलंका के लिए, वहाँ के प्रिय वासियों के लिए प्रभु, कि तेरी आशीष का हाथ उनके ऊपर हो प्रभु। देश आर्थिक और हर किस्म की उन्नति वो जाने प्रभु। हम मसीहों के लिए भी वहाँ पर प्रार्थना करते हैं प्रभु, कि तेरा सामर्थ उनके ऊपर हो और वो तेरे खुशखबरी लोगों में बताएं प्रभु। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमेन। 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 दोस्तों याद रखे, यू आर नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ योर पास्ट, यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ द क्रॉस। हम अक्सर ये बात कहते थे हमारे ट्रेनिंग के ज़माने में, कि हम अपने जो बीता है उसका असर हम पर नहीं है, लेकिन जो क्रूस का कार्य है उसके असर और उसके प्रभाव में हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। परमेश्वर होने दे दोस्तों कि हम अपने पास्ट को पीछे छोड़ आगे बढ़ें और परमेश्वर के प्रेम को, उनकी माफ़ी को और नई शुरुआत को अपने जीवन में रिसीव करें। आइए देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत ये वचन है और इसे हम सब जानते हैं, और आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम अपने अनप्लेजेंट पास को पीछे छोड़ आगे बढ़ सकते हैं। और जब हम परमेश्वर के वायदों को पढ़ते हैं वचन में, वो हमारी मदद करते हैं कि हम आगे बढ़ सकें, अपने पास को पीछे छोड़ सकें। और ये भी परमेश्वर के बहुत सारे वायदों में से एक बहुत ही खूबसूरत वायदा है कि परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत ही उत्तम योजनाएँ बनाई हैं, और परमेश्वर हमारे भविष्य को जानता है और हमारा जो भविष्य है वो परमेश्वर के हाथों में है। तो आइए दोस्तों, जो कुछ भी घटा है हमारे पास्ट में उसे पीछे छोड़, परमेश्वर की मदद से उसे पीछे छोड़ हम आगे बढ़ें। बिल्कुल दोस्तों, हम याद रखें कि परमेश्वर ने हमें एक उज्जवल भविष्य दिया है, तो उसे ध्यान में रखकर हम दौड़ लगाएं, पीछे मुड़कर ना देखें। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं हमारे आज के स्पेशल एपिसोड में आपने बहुत आनंद लिया है। खूबसूरत कहानियों को हमने देखा, जियान राजपक्ष की कहानी को देखा, एक खूबसूरत सिनेलीज गीत हमने सुना और जाना कि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपने पास्ट में फंसे रहें। हम प्रभु के लिए दौड़े क्योंकि अच्छी चीज़ें हमारे लिए परमेश्वर ने तैयार किए हैं। दोस्तों अब समय एक खूबसूरत अंग्रेजी गीत को सुनने का, जिसके बोल है, देयर शैल बी शावर्स ऑफ ब्लेसिंग्स, परमेश्वर की आशीष हम पर बरसती रहे। ये गीत हम ऑल द वे फ्रॉम श्रीलंका आपके लिए लेकर आए हैं। ये है विलोरावट्टा मेथोडिस्ट चर्च मोरातुआ के क्वायर जो ये गीत हमारे लिए लेकर आए हैं। जी, और दोस्तों आज का ये गीत बहुत ही खास है क्योंकि इसे डेडिकेट किया गया है विंग कमांडर सुरेश चौधरी और उनकी पत्नी डोरीन शॉफिन चौधरी को। क्या आप जानते हैं कि मिस्टर एंड मिसेस चौधरी अपनी शादी के 56 इयर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं? जी हाँ, इनकी 56th वेडिंग एनिवर्सरी पर ये बहुत ही खूबसूरत गीत इनकी फैमिली ने इन्हें डेडिकेट किया है,
और ये है नटराज, प्रीति, आदित्य, मधुप्रिया और इनके ग्रैंडसन अगस्त्यानी। मिस्टर एंड मिसेस चौधरी, वी ऑल विश यू अ वेरी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, मेनी मेनी मोर इयर्स टू कम, मेनी मेनी मोर एनिवर्सरीज टू कम, गुड हेल्थ एंड गॉड्स ब्लेसिंग्स ऑन योर लाइफ। यस, कॉन्ग्रेचुलेशन सर एंड मैम, 56 ईयर्स इज अ वेरी लॉन्ग टाइम। और हमारी यही दुआ है कि जैसे ये गीत के बोल है, देयर शैल बी शावर्स ऑफ ब्लेसिंग्स, वी प्रे दैट योर मैरिज, योर यूनियन विल सी शावर्स ऑफ ब्लेसिंग्स। मे यू सेलिब्रेट मेनी मोर ईयर्स ऑफ टुगेदरनेस सर एंड मैम। यस, एंड दोस्तों इसी के साथ हम आपसे विदा लेंगे और परमेश्वर होने दें कि परमेश्वर की आशीषें हम सबके जीवन में भरपूर हों। एंड कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे और तब तक आप अपना ख्याल रखें, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्व्स, हैव अ लवली ब्लेस्ड डे, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। Showers of blessing, this is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing we need. Showers of blessing, precious reviving again, over the hills and the valleys, sound of abundance of rain. Showers of blessing, showers of blessing we need. Jesus, we